और मैं तो समझ रही हूँ कि अच्छे अच्छे कलाकार भी आज मौजूद हैं सौभाग्य से। बहुत कम ऐसा संगम देखने को मिलता है। और क्या? एक छोटा सा घटपन से और चाचा बहुत छोटा सा बिल्कुल कट पीस। हाँ, छोटा सा एक भावनात्मक गीत दिया है तो एक भावनात्मक कट पीस भी आप और इस कट पीस की कोई फिल्मी धुन नहीं है, बस चार पंक्तियां हैं, सुनिए। गाने वालों ने गाया कि तेरा वादा ना पूरा हुआ संचालन करते हैं जगह जगह। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे कई कार्यक्रम आपने संचालित किए हैं। ये कटपीस जो मैं सुना रही हूँ ये कटपीस मेरी कलम का है, यानी इसका प्रयास बिटिया ने किया है लिखने का। कोई कमी रह जाए तो उसको अच्छा करने का प्रयास करिए। स्वागत है, स्वागत। गीत कह रहा है तेरा वादा पूरा हुआ रात से फिर सहर हो गई कि तेरा वादा न पूरा हुआ रात से फिर सहर हो गई और मुझको खिड़की पे बैठे हुए कि मुझको खिड़की पे बैठे आज फिर रात भर हो मुझको खिड़की पे बैठे हुए आज फिर रात भर हो गई। और भैया दो लाइनें और बड़ी अच्छी लिखने वालों ने लिखी के दो दिलों को जुदा कर गई दो दिलों को जुदा कर गई एक परदेश की नौकरी के दो दिलों को जुदा पागल के वो भी पागल उधर हो गया और मैं भी पागल इधर हो गया। प्रयास किया है मैंने गीत में मैंने राम जी के वनवास की बात की कि केकई ने राम को वनवास मांगा और राम ने मां की आज्ञा का पालन किया। राम 14 वर्षों के लिए वनवास चल पड़े। राम तो जा रहे हैं साथ में सीता जी भी जा रही हैं लेकिन लक्ष्मण जब चलने लगे तो उर्मिला ने जिद कर ली। उर्मिला ने कहा स्वामी अगर राम के साथ सीता जी जा सकती हैं तो आपके साथ मैं क्यों नहीं।
मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण जान गए कि अगर उर्मिला को मैं साथ ले गया तो फिर वो वचन टूट जाएगा, नींद नारी भोजन का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मारेगा। इसलिए उर्मिला को नहीं जाना चाहिए। ये सोच कर लक्ष्मण ने एक बहाना किया, कहा उर्मिला मुझे प्यास लग रही, मेरे लिए पानी ले आओ। उर्मिला जब तक पानी लेकर लौट कर आती तब तक लक्ष्मण जा चुके थे, चले गए। उर्मिला उस पानी के बर्तन को लेकर, उस पात्र को लेकर खड़ी है और सोच रही है। क्या देखिए कैसी नारियां रही होंगी वो, जो एक दो दिन नहीं 14 वर्षों तक वो पात्र लेकर वही खड़ी रही। तो उर्मिला कह रही है, लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण के लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण और लक्ष्मण ही नजर लग गई। लक्ष्मण की नजर केवल उनके लक्ष्य पर है, मेघनाथ को मारना है। के लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही नजर लग गई। उर्मिला कह रही है, उर्मिला ना सकी तो जाने किसकी नजर लग गई। तो अलग है, ये क्या लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, वो तो करना भी चाहिए। क्योंकि बिटिया बाप से नहीं लड़ेगी तो किससे लड़ेगी? बाप बाप होता बेटा, बेटा होता बेटे। लेकिन इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो 2-4 पंक्तियां जोड़ने लिखने का प्रयास किया उसको आपने अपने पुरस्कार से सार्थक कर दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे चाचा के लिए आप लोग बजा दें। और ये मेरे लिए मेरे जीवन का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रणाम कर रही हूँ, 2 पंक्ति और जोड़ रही हूँ। कहा उर्मिला ने, आग मन में है ऐसी लगी, आग मन में है ऐसी लगी के होगा पति का मेरे आगमन। जो मन में आग चल रही है मैं तो जान नहीं पाई, लेकिन वहां आग मन में है ऐसी लगी के होगा पति का मेरे आगमन। तो उर्मिला 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 वो शिला सी भई, अपने पति के इंतजार में मूर्ति के जैसे खड़ी है। तो उर्मिला वो शिनासी भई तो द्वार पर ही नजर लग गई। सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, हवाओं ने चरागों को छू लिया है और कल मेरे साथ एक सहनिया हुआ, उनके धोखे में न जाने कितनों को छू लिया है। और परदेश में आती है जब एक सैनिक को अपने बच्चों की याद, परदेश में जब आती है एक सैनिक को अपने बच्चों की याद, तो दुकान पर जाके खिलौनों को छू लिया है, दुकान पर जाके खिलौनों को छू लिया है, दुकान पर जाके खिलौनों को छू लिया है।
इस दर्द के साथ वो वहां रहता है और हम यहाँ सुरक्षित रहते हैं। आइए समय को जाया न करते हुए मैं परमादरणीय दादा लालचंद दीक्षित जी संकीर्तन मंडल खरेला को उसी एहतराम और सादगी के साथ आमंत्रित करता हूँ और उसी जोश और खरोच के साथ आमंत्रित करता हूँ। और आपके दिशा निर्देशन में रिंकी राजपूत आप ही के चक्र में अगर पिले हो जाते हैं तो ठीक है, एक चक्र यहाँ से दे लेंगे। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आयोजक बढ़िया कपड़ा दिया है लालचंद दीक्षित, जो अच्छा है उसका सम्मान करके जानता है। मेरे महबूब मेरे सनम मेरे महबूब मेरे सनम रात से फिर सहर हो गई मेरे महबूब मेरे सनम रात से फिर सहर हो गई तुझ बकरी में बैठे हुए आज भी रात भर हो गई बढ़िया बात नहीं है बेटा। लक्ष्मण लक्ष्मण में विधे लक्ष्मण लक्ष्य पर ही नजर लग गई लक्ष्मण में लिए लक्ष्मण लक्ष्य पर ही नजर लग गई उर्मिला ना सकी जान किसकी नजर लग गई उर्मिला आदरणीय क्रांति माला जी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं क्योंकि तुम्हारी लिखी पंक्तियां हैं इस बात का मुझे गर्व है। हमारे दादा कहते थे कलाकार पूर्ण तब तक नहीं होता जब तक गाना बजाना और लिखना तीनों नहीं जानता। क्या बात है, बहुत बहुत अभी तो अभी तक आप एक काम कर रहे थे लेकिन आज पता चल गया आपने दूसरा काम किया है। अभी एक शेष है और मेरा आशीर्वाद है कि कुछ दिन में आप तीसरा काम भी करके पूर्ण कलाकार बन जाएंगे। लक्ष्मण और उर्मिला दोनों को ले लिया आपने। जो जब आपकी पंक्तियां दो संक्षेप में दे रहा हूं क्रांति माला जी सुनिए कि जो पिता बचन मन त
और कारण क्या बना? क्या अरे हमारे चंद गंगा फट जाए। सुनिए कि जान की जान की प्रिया बनवास केवल मुझे मिला था तापस वेश से सुदासी 14 वर्ष राम वनवासी लेकिन आज जो मैं रो रहा हूं अपने भाई के लिए उसका कारण क्या था? आज राम सोच रहे हैं जानकी थी प्रिया साथ में जानकी लग गई क्या बात। अगर मैं अकेले आता कुछ नहीं होना जानकी जानकी थी प्रिया साथ में जानकी लग गई जानकी जानकी थी प्रिया जानकी साथ में लग गई जानकी बजा भाई जानकी बजा भाई बाजी ही जानकी लग गई और जानकी की बजे है भाई की बाजी ही हमारे जवाब की पंक्तियां थी आदरणीय सक्सेना जी और क्रांति माला जी। दो पंक्तियां मैं और पढ़ रहा हूं, रोकना चाह था लेकिन रुक नहीं रही। जो पंक्तियां सुनिए, एक बाप कह रहा है, आपने कहा वो जो नौकरी की बात की, नौकरी परदेश में चले गए, क्या बात। एक बाप घर में बैठकर रो रहा है, कि डॉक्टर मेरी बेटी बनी डॉक्टर मेरी बेटी बनी पर मुझे नौकरी खल गई डॉक्टर मेरी बेटी बनी पर मुझे नौकरी खल गई डॉक्टर मेरी बेटी बनी आबरू तो लुटी तो लुटी क्या बात है आबरू तो लुटी तो लुटी जल्द में चिंता ही जल्द
किधर आ रहा है कर जा। अब बाप बेटी के लिए रो रहा है तो बेटी का धन खा से खा ले, ये भी तो सवाल है। और जब बेटी का धन आता तो कुछ कर सह दिया जाता है। आदरणीय हमारे संचालक श्री सक्सेना जी की ओर से यहाँ मुद्राएं आए हैं पुष्पमाल के साथ, और इस पुष्पमाल के साथ 101 हमारी बिटिया क्रांति माला की ओर से आए हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्याज माल के बाद में माला, माला के साथ माला और माल के साथ माल पूजा। जय हो जय हो। एक बार जोरदार तालियां इस समरसता के लिए बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया लाइन जोड़ी है। बहुत बढ़िया लाइन जोड़ी है। इधर दर्द जो मुझे भी इस घटना से रहा है, आपने कहा कि दुर्दशा तो हुई और बॉडी भी जली। तब देखिए जब बॉडी जल रही तब देखिएगा कि वो आग जल रही थी। और आशीर्वाद पूरे मंच से चाहूंगा, दोनों मंच से और आपसे, कि वो आग जल रही थी और धुआं सा उठ रहा था। वो आग जल रही थी और धुआं सा उठ रहा था। दर्द उससे पूछो जिसकी बेटी का बदन जल रहा था। क्या बात। दर्द उससे पूछो जिसकी बेटी का बदन जल रहा था। ये मानसिकता भरी लोगों की दूषित है, लेकिन हम अपनी बेटियों पर गर्व करते हैं। ये माना कि जब घर छोड़कर जाती हैं बेटियां, ये माना कि जब घर छोड़कर जाती हैं बेटियां, माता पिता भाई को रुला दी हैं बेटियां। लेकिन प्रतियोगिता में बेटे जब नाकाम होते हैं, प्रतियोगिता में पिछड़ा ओलंपिक देखिए, प्रतियोगिता में बेटे जब नाकाम होते हैं तो पदक जीत कर घर लाती हैं बेटियां।